हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब को नमस्कार। दोस्तों, हम सभी जिस समाज में रहते हैं उसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ हमारे सपनों को पॉजिटिव थॉट देते हैं, कुछ हमारे सपनों को नेगेटिव थॉट देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो भी सपना हो, आप जो भी बनना चाहते हो वो बनिए, आप जो करना चाहते हैं वो करिए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों से हमेशा दूरी बना के रखें। किन से आपको दूरी बनानी है? वैसे लोगों से आप जरूर दूरी बनाए रखें जो आपके सपनों को डीमोरलाइज करते हैं, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो आपके सपनों के साथ मजाक करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, आपका सपना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, जब जब इतिहास में कुछ नया होता है उसका शुरुआत करने वाला एक छोटे से स्टेप से ही उसकी शुरुआत करता है। अगर आपको छत पर चढ़ना हो तो छत पर चढ़ने के लिए आपको पहली सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। आप अचानक से छत पर नहीं जा सकते हैं। तो यदि आपके मन में भी कुछ नया करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं तो जरूर करिए और उसका शुरुआत आज से, अभी से और इसी वक्त कर दें। दोस्तों, समय एक ऐसा चीज़ है जो कभी मुड़कर लौट कर वापस नहीं आता है। हम सभी कभी कभी क्या करते हैं, हमारे मन में भी कुछ करने की बात आती है, हम भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे कल पर टाल देते हैं। आज नहीं, कल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ जान लीजिए, ये कल कभी नहीं आता है, जो है आज है, अभी है, इसी वक्त है। इसलिए आप जो भी करना चाहते हैं जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। एक चीज़ आप याद रखें दोस्तों, जब आप कुछ नया काम करना चाहेंगे, कुछ अलग हट के करना चाहेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। तो आपके अंदर ये साहस होनी चाहिए, ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप उसकी हंसी को झेल सकें। क्योंकि अगर आप उस वक्त उसकी हंसी को झेल लेते हैं, इसका मतलब आपने पहला जो स्टेप होता है वो आपने पास कर लिया। क्योंकि एक चीज़ याद रखें दोस्तों, जिस पर दुनिया हंसा उसी ने इतिहास रचा। अगर आप चाहते हैं एक नया इतिहास रखना तो आपको भी लोगों के हंसने को या लोग जो आपके मजाक उड़ाते हैं उसको सहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो लोग होते हैं ना, ये बड़े अजीब किस्म के प्राणी हैं। ये ढोल होते हैं, ढोल, ढोल समझते हैं ना आप, ढोल जो इधर से भी बजता है और इधर से भी बजता है, मतलब दोनों साइड से बजता है। तो ये जो लोग होते हैं, जब आप कोई नया काम शुरू करेंगे तो आपको बोलेंगे, ए तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप अपने मेहनत के दम पर, आप अपने इच्छा शक्ति के दम पर, आप अपने सोच, आप अपने बुद्धि के दम पर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो आप करना चाहते थे, तो वही आदमी आपके सामने आके बोलेगा, अरे ये देखा, मैं जानता था एक दिन तू जरूर बड़ा आदमी बनेगा, मैं जानता था एक दिन तू जरूर ये कर पाएगा। तो इसे कहते हैं ढोल। वही आदमी एक समय आपके सपनों को रोनते हुए आगे बढ़ जाएगा, और जब आप उसे अनदेखा करते हुए अपने काम पर लगे रहेंगे और एक दिन सक्सेस की ऊंचाइयों को छुएंगे तो वही आदमी आपको बोलेगा, हम जानते थे ये जरूर कुछ करेगा। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ आप उन लोगों से दूरी बना के रखें, या उन लोग जो बोलते हैं उसको इस कान से सुने और इस कान से निकाल दें, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए थॉट्स के साथ, एक नए सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।